उजैर भाई से पूछेंगे कि जावा की नेचर कैसी होती है, कॉलोनी में और सिंगल ब्रीडिंग में किस तरह से परफॉर्म करती है, और आगे आने वाले वक्त में इसका कितना जो है वो फायदा रहेगा। चलिए उजैर भाई बताइए। ठीक है, जावा देखा जाए तो ये एक तरीके का स्पैरो बर्ड्स है और इसका ये चिड़िया मतलब ये देखा जाए तो एक चिड़िया की कैटेगरी है। और इनमें ये होता है कि ज़्यादातर झुंड में रहना पसंद करते हैं, ज़्यादातर झुंड में होते हैं और झुंड में ही चलते हैं। और इनकी देखा जाए कॉलोनी में इतनी कोई फाइट भी नहीं होती, ना इतना कोई वो होता है। बस ये होता है कि सेम एज के हों ज़्यादातर तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेता है। और लोग ज़्यादातर लोगों को कॉलोनी से ये इशू होता है, बोलते हैं यार एक पेयर काम कर रहा है एक पेयर काम नहीं कर रहा। तो वो देखें सबसे पहली चीज़ बताऊँ क्या, देखें जैसे ये कहा जाता है ना कि नाम अर्थ कोई बीमारी नहीं है, वैसे बर्ड्स में भी कोई बीमारी नहीं है। ये कोई ये चीज़ है, ऐसा नहीं है कि कोई बर्ड्स ब्रीड ना करे, हर बर्ड ब्रीड करता है। लेकिन क्या हर चीज़ का लेने का वक्त होता है कि किस टाइम उसकी ब्रीड लेनी चाहिए। उनकी एज पूरी होना चाहिए सबसे पहले चीज़, एज कम्प्लीट हो, कम से कम एक साल का पेयर बर्ड्स हो, मतलब पेयर हो एक साल का। एक साल का पेयर होने के साथ साथ मेल फीमेल सबसे चीज़ है, मेन चीज़ है कि मेल फीमेल कन्फर्म हो। जावा में लोग क्या करते हैं, कॉलोनी बनाई, कॉलोनी बना के छोड़ दी पट्ठों भट्ठे डाल के। अब उनको बाद में चेक नहीं किया कि इसमें मेल्स कितने फीमेल्स कितनी, बस कॉलोनी बना के छोड़ दी। अच्छा, जावा में सबसे बड़ी चीज़ बताऊँ कि जावा में सबसे ज़्यादा मेल्स की प्रोडक्शन है, फीमेल्स की कम है। फीमेल्स हमेशा कम होती हैं मेल्स के मुकाबले में, मेल्स की ज़्यादा होती हैं। ये फॉन में भी है, सिल्वर में भी है, और ग्रे में भी, ग्रे में नहीं इतनी, लेकिन फॉन सिल्वर में ज़्यादा है और फॉन में सबसे ज़्यादा। फॉन में फीमेल्स बहुत बहुत मुश्किल से मिलती हैं। देख आपने देखा होगा सर, रिक्वायर्ड फीमेल्स होता होता है, सबसे ज़्यादा मेल्स निकलते हैं। तो उसमें ये देखा जाता है आपके जावा के पेयर जब रेडी हो, सबसे पहले चीज़ आपको कॉलोनी देखनी है। कॉलोनी का हमेशा साइज जावा का ऐसा हो कि हाइट पे हो, हाइट ज़्यादा हो। अब जैसे हम लबड़ की कॉलोनी, कोई जैसे लबड़ की नहीं बजी की कॉलोनी बनाते हैं हम, 4x4 की बनाते हैं उसकी, और हाइट भी 4 हो जाती तो उसमें मसला नहीं है बजीज वगैरह की। और लबड़ कैसे हो कि हाइट हमेशा 7 फुट या 6 फिट की हाइट हो और चौड़ाई 5 फिट हो। सही। और लंबाई, ये मैं आपको बता ना 10 पेयर का। सही। और लंबाई भी देखा जाए तो वो भी तकरीबन 4 फिट हो या 5.5-4 फिट ऐसी कुछ हो, लेकिन हाइट ज़्यादा हो कि ऊपर से वो नीचे आए, तकरीबन 6 फिट हाइट हो। क्योंकि जावा की 6 फिट हाइट में यूँ बोल रहा हूँ कि जब आप नीचे सफाई कर रहे हो ना तो परिंदा डिस्टर्ब ना हो। जावा डिस्टर्ब बहुत होता है और जावा ऐसा होता है उसका हार्ट फेल भी जल्दी होता है। अच्छा, मतलब घबरा जाता है यार, ज़्यादा होता है ना, ज़्यादा 33 उड़ता है क्योंकि बहुत स्पीड है जावा की, वो 33 उड़ता है ना, गोली की तरह निकलता है। हाँ, 33 उड़ता है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है बट गर्मी ज़्यादा होती है इससे तो एक्सपायर हो जाता है, वो हार्ट फेल हो जाता है उसका। तो जावा की हाइट यूँ होनी चाहिए तो डिस्टर्ब ना हो, ऊपर बैठा तो सुकून से बैठा रहे, आप नीचे नीचे सफाई करके चलें। और सफाई ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि सफाई ना करें, सफाई ज़रूरी है। जावा की हो गई या कोई भी परिंदा हो, सफाई ज़रूरी है। और सफाई से मान दिया भाई, हमारा इस्लाम कहता है कि सफाई रखो, और जब तो आप नीचे से सफाई करो, ऊपर आपका बर्ड्स रिलैक्स बैठा रहे। और जावा का ये होता है कि सबसे पहले आपने ये कर लिया, आपने साइज़ देख लिया, कॉलोनी देख ली। कॉलोनी सेट होने के बाद ये होता है कि आपने पट्ठे छोड़े, पट्ठे छोड़ने के बाद आपको जब 10 महीने के हो जाएँ वो, आपको सारे परिंदे अपनी कॉलोनी से निकाल लें, उसमें मेल फीमेल कंफर्म करना। 10 महीने के बोल रहा हूँ ब्रीड, फिर भी आप साल के बाद लेंगे, मैं 10 महीने के बता रहा हूँ। उसमें से आपने देखा मेल फीमेल कंफर्म करें, फीमेल्स कम, तो फीमेल्स कम होना नुकसान है, ज़्यादा होना फ़ायदा है। फीमेल्स कम ना हो, फीमेल्स ज़्यादा हो तो चल जाएगा, कम होगी तो नुकसान है। फीमेल्स कम है तो उनको इक्वल कर दें या ज़्यादा कर दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे 10 पेयर छोड़ें तो अगर जैसे 7 फीमेल है तो मतलब आप कितनी, फिर आपके मतलब मेल उसमें 13 हो जाएंगे, तो आपको फिर 6 पीस और डालने होंगे, 6 पीस और डाल दें या ज़्यादा डाल दें मसला नहीं है। तो फीमेल्स हमेशा ज़्यादा रखें या इक्वल रखें, और मेल्स कम भी हो चल जाएगा, मसला नहीं है मेल में नहीं होता। क्योंकि कभी जावा में ऐसा भी होता है कि एक मेल जो ना दो दो फीमेल्स के साथ चल रहा होता है, लगा हुआ होता है, वो चल रहा होता है, उसमें कोई इशू नहीं होता। वैसे बजरी का भी यही सीन है, लेकिन कोशिश ये करें इक्वल रखें, थोड़ी सी एक दो पीस ज़्यादा कर दें। इतना भी नहीं कि मतलब आपने 10 पीस मतलब 10 मेल छोड़े हुए और आपने 20 फीमेल छोड़ दिया, ऐसा नहीं, एक दो पीस ज़्यादा छोड़ दें, 12 फीमेल छोड़ दें, 10 हाँ 12 फीमेल छोड़ दें या 10 के 10 छोड़ दें, वो बॉन्डिंग कर लेते हैं आपस में, वो चल जाता है। तो और फिर आप कॉलोनी में छोड़ दें उनकी, फिर एज, अच्छा फिर भी नहीं, सॉरी कॉलोनी में नहीं छोड़ें, आपने मेल फीमेल्स करें,
मेल फीमेल्स लेने के बाद हैं मंगवाएं कोल्ड ड्रिंक? नहीं नहीं कोल्ड ड्रिंक बड़ी गर्मी लग रही है, पानी सही है? पानी की वजह से इतना पानी भी पानी डाल देते। अच्छा मैं क्या बता था, मेल फीमेल्स ये कि आपने चेक करे, चेक करने के बाद आपने क्या करना, मेल फीमेल्स को अलग करना है। सही, आपने छोटे केज में एक में मेल डाल दिया और एक में फीमेल डाल दिया, वो डाल दिया आपने एक महीने के लिए, पंखा का कम हुआ ठीक है, वो आपने एक महीने के लिए डाल दिया, उससे क्या होगा क्योंकि ये अडल्ट हो चुके हैं, 10 महीने के हो गए थे, एक महीने से क्या होगा कि ये, और कोशिश ये करेंगे मेल फीमेल एक दूसरे को देखे भी ना, ऊपर नीचे डालें जावा में, अब वो अडल्ट हो जाएंगे और वो फिर अपने आप ना उनकी हीट पड़ेगी, मतलब ये होगा कि फीमेल्स नहीं है ये नहीं है, और मेल्स में आपस में बॉन्डिंग हो, फीमेल्स में आपस में बॉन्डिंग हो, बस चलता है, ये होना चाहिए जावा में। और फिर उसके बाद मतलब एक महीना रखा, एक महीने के बाद फिर आपने सेम कॉलोनी में छोड़ दिया, एक साथ इक्वल करके फीमेल्स को मेल्स को, और अगर इक्वल नहीं करेंगे तो आपकी ब्रीडिंग, और ज़्यादातर यूँ होता है लोग ऐसे छोड़ देते हैं, उसमें फिर डायरेक्ट आके बॉक्सेस लगाते हैं जिसमें फीमेल्स कम होती हैं, और फिर बोलते हैं यार हमने तो 10 पेयर छोड़े थे, इसमें रिजल्ट ये आ रहा है, शायद वो पेयर काम नहीं कर रहा, चल वो आप पकड़ तो सकते नहीं, सारे सेम है एक जैसे ही है, पहले ये तो चेक करो उसमें मेल फीमेल है या नहीं है, दोनों मेल तो नहीं बैठे हुए, सही बात, या क्या नाम है फीमेल्स कम हो गई है, फीमेल्स क्योंकि हमेशा फीमेल्स कम होने से प्रोडक्शन कम आती है। अब आप बताएं, मैंने 10 पेयर छोड़ दें, 7 फीमेल्स निकल गई, सही है, 7 फीमेल्स निकल गई, कितने नर हो गए? 13 नर हो गए, तो 7 के 7 से प्रोडक्शन देगा ना यार, नर को ही बच्चे दे रहा है, बच्चे तो मादा देगी, अंडे तो मादा देगी, तो प्रोडक्शन वो 7 के 7 से आ रही है, ऐसे लोग और भी कम हो सकती है, 5 फीमेल्स आ गई, 15 नर हो गए, वो 5 के 7 से प्रोडक्शन देगा, इससे ऐसे रिजल्ट अच्छा नहीं आता, रिजल्ट आप ऐसे लगाएंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा आएगा, मतलब बैलेंस करके, या 1-2 फीमेल ज़्यादा कर दें और हाइट वाला केज लगाया कॉलोनी में, हाइट ज़्यादा हो तो अभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके जितने पेयर लगेंगे सब के सब काम करेंगे, देख लीजिएगा आपको कोई किसी भी हंडिया में कोई खाली आपको नज़र नहीं आएगी, या किसी भी बॉक्स को खाली नज़र नहीं आएगा, रिजल्ट सबका आएगा, 100% आएगा रिजल्ट। और केज बाय केज ये होता है कि आप कभी तैयार पेयर ले आते हो तो वो आपका बॉन्डिंग नहीं बनता, वो काम नहीं करता, तो उसमें तो इश्यूज आते ही हैं, मैं तो बोलूँगा पट्ठों से लें, पट्ठों से जितने पेयर लेंगे आपके, जितने पेयर लेंगे मैं आपको बोलूँगा कि आप अभी भी देख लें किसी भी जावा के किन बड़े बड़े सेटअप है, आप उनके पास जाएँ तो ये क्या बोलते हैं यार मेरे 100 पेयर है, मेरे 100 के 100 9, मतलब मेरे पास 99.9 रिजल्ट आ रहा है, जो भी किसी के पास भी आएंगे आप गुल मोहम्मद साहब के पास जगह बोल बोलेंगे 99.9 रिजल्ट आ रहा है, आप वो जो क्या नाम है हसन लोधी, ऐसे हसन एहसान लाई साहब, हाँ एहसान लाई साहब, उनके पास जाओगे वो 99.9 रिजल्ट आ रहा है, हाँ जिसके बॉक्सेस उन्होंने नहीं लगाए तो वो रिजल्ट नहीं दे रहे, लेकिन जिनके बॉक्सेस लगाए वो रिजल्ट दे रहे हैं, तो मतलब कि वो बॉन्डिंग वो अपनी हर चीज़ देख के कर रहे हैं, पेयरिंग कब करनी है, किस तरीके से करनी है, क्या करना है, किस तरीके से लेके चलना है, वो हर चीज़ देख रहे हैं, और उनकी एज वगैरह कॉलोनीज में भी इनको रिजल्ट अच्छा आ रहा है। अच्छा जैसे फोन में डार्कनेस देखी जाती है, क्या सिल्वर में भी डार्कनेस देखी जाती है? हाँ सिल्वर में भी देखी जाती है, क्वालिटी बताती है, सिल्वर में भी साइज भी देखा जाता है, अभी बीच में लोग ये कहने लग गए थे कि सिल्वर में एग्जीबिशन थोड़ा सा साइज ऊपर नीचे हुआ, बोले एग्जीबिशन है, ये बोल के भी लोगों ने चिटिंग की है बहुत से लोगों ने,